हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ तुम लोग ठीक होगे, फिट फाट होगे, मज़े में होगे और लाइफ इन्जॉय करे होगे। गाइस, अभी मैं सोकर उठी एंड सबसे पहले ना मैंने अपना ब्रेकफास्ट आज खुद बनाया, क्योंकि मैंने अपने पसंद का जो है ना ब्रेकफास्ट करने का मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने स्क्रम्बल एक साथ में ब्रेड बनाई है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मामा के बर्थडे वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने आपको बताया था कि 8 डे 3 पर मेरी मामा की बर्थडे थी और चांद रात को हम लोग शॉपिंग करने गए थे। तो तब जो मैं ड्रेस लेकर आई थी, उससे पहले जो मैंने और भाई ने मामा को ड्रेस दिया था, मतलब गिफ्ट दिए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा, तो उसके लिए मैंने पहले क्लिप्स बनाए हुए थे कि जब हमारा पार्सल आया था और तब जो थी जो हम लोगों ने अनस्टिच ड्रेसेस लिए थे तो वो किस तरह से थे, और फिर हम लोगों ने उसको स्टिच कराया था और किस तरह की लुक जो थी ना उसकी जनरेट की थी। सो ये वाली जो क्लिप्स हैं ना, ये तब के हैं जब ये पार्सल आए थे। तो ये हमने मंगवाए थे जीन से, और ये भी ये जो दोनों थे ना, ये 3-पीस सूट थे। एक ब्लू में था, ये था प्रिंटेड छापा वर्क जिसको बोलते हैं ना, लेकिन ये जीन का, और ये हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं। इसका जो मतलब ये जो सारे डिज़ाइन है ये जो है ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर आप लोकल लेते हो तो वो जो है वो उतर सकता है। तो एक ड्रेस ये हो गया एंड दूसरा है ये पीच, जो कि मुझे इसका कलर कॉम्बो बहुत पसंद है। सो अब इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो क्लिप्स जब ये बनकर आ चुके हैं, बल्कि ये मैंने अभी शूट किए हैं। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये अभी तक मामा ने नहीं ट्राई किया। बाकी जो पीच वाला ड्रेस है मामा कर चुकी हैं। तो ये वाला ड्रेस वही था जो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया था जीन से, और इसको हम लोगों ने अपने स्टाइल में जो था ना स्टिच करवाया है टेलर से। सो इस तरह से इसकी जो है ना लुक आई है। ये इसकी नेक लाइन है और इसका बॉर्डर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो दिस इज़ बॉर्डर। तो आपको स्लीव्स भी इसके दिखाती हूँ। आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करा सकते हैं अपने कपड़ों की। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और मुझे इसका जो है ना कलर कॉम्बो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ निकाल कर। सो दिस इज़ ट्राउज़र। ट्राउज़र के एंड पर जो है ना बॉर्डर पे ये लगा हुआ है, और ये है दुपट्टा। दुपट्टे पर हम लोगों ने ये लेस जो है वो भी खुद लगाई है। तो दुपट्टे की लुक ये है, ट्राउज़र की लुक ये है, एंड शर्ट आपको मैं दिखा चुकी हूँ। आपको एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ इस जो ड्रेस की ना। सो अभी ये मामा को बहुत पसंद आया, तो मामा ने प्रेस वगैरह करके ना इसको अलमारी में रख दिया था। अब इसे दोबारा मैं अलमारी में रखूँगी, दोबारा से सेट वगैरह करना पड़ेगा। एंड ये है जी सेकेंड ड्रेस, पीच वाला, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था पार्सल जब आया था। तो ये भी स्टिच हो चुका है। ये मामा ने ईद वन पे पहना था, मैंने आपको बल्कि हल्का सा इसका जो है ना क्लिप दिखाया भी था जब मैं रेडी हो रही थी ईद के लिए। तो ये है जी ईद वन का ड्रेस मामा का, और इसको मैं आपको डिटेल से दिखा देती हूँ। ये है जिसके दुपट्टा की लेस। दुपट्टा इसका नॉर्मल था, मतलब इस तरह से ना नेट का दुपट्टा था, उसके ऊपर लेस जो है ना हम लोगों ने खुल लगवाई है, और बॉर्डर पे अलग लेस लगवाई है, उसकी जो साइड लाइन है उस पर अलग है। और ये है इसके ट्राउज़र, और ट्राउज़र जो है ना नीचे इसका कट वर्क हुआ हुआ है। इसके अलावा लेस जो है वो भी हम लोगों ने सारी खुद जो है लगवाई है। और ये है जी इसकी शर्ट, और ये शर्ट की फुल लुक है। आपको इसके स्लीव्स दिखाती हूँ, इसके स्लीव्स मुझे बहुत पसंद हैं। और ये आप स्टाइल देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से इसके स्लीव्स बनवाए। ये है इसकी नेक लाइन, ये हम लोगों ने स्टोन जो आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये नेकलाइन सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है। और ये है जिसका बॉर्डर नीचे वाला, और ये लेसेस वगैरह जो है ना ये हम लोगों ने खुद लगवाई हैं। तो ये भी काफ़ी डिसेंट और प्रिटी ड्रेस था। अब दिखाते हैं तीसरा ड्रेस। ये है जी वो वाला ड्रेस जो कि हम लोग चांद रात को लेकर आए थे मामा के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉप से फिरे थे, लेकिन चांद रात ही तो सारे जो लोग हैं ना वो शॉपिंग वगैरह कर चुके थे, और हम लोगों को और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये वाला ड्रेस हम लोगों को बहुत पसंद आया था। और ये है जी क्रॉस स्टिच का ड्रेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बताया था। तो ये है इसकी शर्ट, सिंपल है लेकिन डिसेंट है, और नेक पे इसका इस तरह से काम हुआ हुआ है, और साथ में ये दुपट्टा जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये 2-पीस ड्रेस था, और इसके साथ जो ट्राउज़र था वो हम लोगों ने अलग से लिया है। वाइट ट्राउज़र इसके साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करा था। और ये दुपट्टा है इसके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हसीन दुपट्टा है। शर्ट मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ अभी ना, ये मतलब मैंने ऐसी रखी हुई है। और ये भी प्रेस होने वाला है, क्योंकि मामा कल जो है ना एक दावत पर इसको पहन कर गई थी, तो अभी इसकी हालत जो है ना प्रेस नहीं हुई भी, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है। अभी मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। एंड मामा को इस टाइप के ड्रेसेस पसंद है, लाइक सॉलिड कलर हो और डिसेंट हो, मतलब ज़्यादा मतलब हैवी शेवी मामा को इतने नहीं पसंद। और ये है इसका इसके स्लीव, और ये जो था हम लोगों को रेडी टू वेयर मिला था, मतलब ये स्टिच ही था ऑलरेडी। सो इसको हमने स्टिच नहीं कराया। ये थी थर्ड ड्रेस की लुक। तो ये 3 ड्रेसेस जो थे ना हम लोगों ने मामा को गिफ्ट किए थे। एंड बाकी जो छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन थी, जो कि मतलब खुशी होती है, वो हम लोगों ने सेपरेट से कर ली थी। एंड अभी ना मुझे भूख लग रही थी, तो मैं नूडल्स बना रही हूँ, क्योंकि घर में बने थे यखनी पुलाव बीफ का। सो मेरा ना दिल नहीं कर रहा था, तो मैं अभी नूडल्स बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं डोमिनो ट्राई कर रही हूँ,
मुझे डोमिनोज़ ज़्यादा पसंद आने लगी है आजकल, क्योंकि मैंने नॉर जो है ना वो छोड़ी भी है खाना। पहले मैं नॉर खाती थी, लेकिन अभी जो है ना मैं इंडोमिनी खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस हम लोग इम्तियाज़ गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके फ्लेवर्स ले आए थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है इसका कलेक्ट कर लिया है, अब मैं आराम से इसको खाती रहूँगी। तो अभी हम लोग ना लंच करके सो गए थे, और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ था, ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ था, तो हम लोग ना इन्जॉय करते करते सो गए थे। और अभी उठे हैं तो मामू की कॉल आई है, मामू कह रहे थे कि आउटिंग पर चलते हैं, सो अभी हम लोग रेडी शेडी होकर निकल गए हैं फटाफट से, क्योंकि अचानक से मामू की कॉल आई थी। टाइम जो है 10 बज रहे हैं, और मामू जो थे ना गली के बाहर वेट कर रहे थे, तो मैं मामू के साथ आ गई हूँ, बाकी सारे दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। अचानक से प्लान बन गया है, तो हम लोग फटाफट से रेडी हुए हैं, सिंपल सा जस्ट। एंड अभी हम लोग यहाँ पर ना खड़े होकर मामा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मामा को कोई आंटी मिल गई थी, तो अभी मामा आती है ना, मतलब वो दूसरी गाड़ी आती है, तो हम लोग चलते हैं। और हम लोग जा किधर हैं वो आप लोगों को वहाँ जाके बताएंगे, अभी वेट कीजिए। नाउ वी आर ऑन द वे। एंड मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे हाशिश शहीद, उनके साथ मैं बातें कर रही थी। और हाशिश जो है ना उसको व्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन अभी छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो फिर वो व्लॉगिंग करेगा। सो अभी मैं उससे ना मज़े मज़े की बातें कर रही थी व्लॉगिंग से रिलेटेड। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, और मुझे तो पता है कि किधर जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर तक पता चलेगा कि हम लोग आज किधर जा रहे हैं, और मेरी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा होने वाली हैं। एंड हमारे प्लान इसी तरह से बनते हैं अचानक से, कुछ भी हम लोग प्री प्लान करके जाते हैं ना, तो वो मतलब थोड़े से उसमें कोई ना कोई इशू हो जाते हैं मतलब, लेकिन इस तरह से जो अचानक से प्लान बनते हैं ना वो बहुत मज़े के होते हैं, उनमें मज़ा भी ज़्यादा आता है, और मैं तो हर टाइम रेडी रहती हूँ घूमने फिरने के लिए। एंड अभी हमारा बहुत मज़े का प्लान बनने वाला है आज कल में, मतलब हम लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं, वो पता नहीं एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर हो गया ना तो यार बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी ना मैं बता इसलिए नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर जो है ना वो प्लान कैंसिल हो गया ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। अभी एक बार हो जाए कंफर्म, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी, बल्कि आप लोग देखना कि हम ना कहाँ जाने वाले हैं, तो हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे अगर वो प्लान जो है ना एग्जीक्यूट हो गया। सो आई होप के हो जाए, और अभी हम बस तकरीबन पहुँचने वाले हैं। एंड हम लोग ना काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे, और अभी ईद है तो सब कुछ छुट्टियाँ भी होनी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ना ईद के दिनों में ये जो है ना प्लान कंप्लीट कर लें, लेकिन अभी जो है ना सारे बड़े जो हैं वो राज़ी हो जाएं, क्योंकि उनका मानना तो ज़रूरी है ना जाने से पहले। सो अभी सारे अगर एग्री करते हैं तो हम लोग जो है ना ये प्लान जो है इसको कंप्लीट करेंगे। एंड अभी अगर आपको रोड्स वगैरह से अंदाज़ा हो रहा हो, तो मैं हूँ अपनी उस जगह पे जहाँ से मेरे 4 साल की यादें जुड़ी हैं, मैं अपनी ना यूनिवर्सिटी रोड पर हूँ, मतलब सामने LCWU है, और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्पॉट पर ऑलमोस्ट, जहाँ पर हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं चीज़ियस, क्योंकि एक तो सबका फेवरेट ब्रांड है चीज़ियस, ऊपर से पाकिस्तानी ब्रांड है, और तीसरा मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है, देसी फूड नहीं पसंद। भाई के साथ जाते हैं तो मोस्टली देसी फूड खाते हैं, लेकिन अभी मामू जो है ना उनके साथ आए हैं हम लोग फ़ास्ट फूड खाने। सो हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी दूसरी गाड़ी का वेट हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना दोनों बच्चों को जो है ना मस्तियाँ सूझ रही हैं, और सामने इनको जोकर नज़र आ गया था, और अभी शेरू जो है ना जोकर को बुला रहा है, और जोकर ने देख लिया, अब जोकर जो है ना आ रहा है, और बच्चे जो है ना जोकर के साथ खेल रहे हैं, तब तक जो है दूसरी गाड़ी आएगी, फिर हम लोग अंदर चलेंगे। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि चीज़ियस के साथ मेरी कितनी पुरानी यादें, यूनिवर्सिटी होती थी, यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल साथ ही है, तो हम लोग अक्सर यहाँ पर आ जाते थे फ्री टाइम में, फ्री लेक्चर में, तो हम लोगों ने तो बहुत खाया हुआ है। और चीज़ियस अभी यहाँ पर ना न्यू ओपन हुए, कोई 2-3 मंथ्स हुए हैं, तो मैंने अभी यहाँ का ना पिज़्ज़ा नहीं ट्राई किया कभी, मैंने इनके रैप्स ट्राई किए हुए, मैंने इनकी जो है ना पास्ता ट्राई किया हुआ है, इनके मैंने बर्गर्स ट्राई किए हैं, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने इनका कभी ट्राई नहीं किया। तो अभी ना सारे मेन्यू कार्ड देख रही हूँ, और सोच रहे हैं कि क्या मंगवाने, और इतने मैं आपको ना एम्बियंस दिखा देती हूँ। इतनी देर इनका ना मैंने पहली बार इतना रश देखा, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी से आती ना तब मैं दिन टाइम आती थी, और दिन टाइम तो ये खाली होता था। लाइक मैं यहाँ काफ़ी टाइम आई हुई हूँ, लेकिन ना यहाँ पर लाइटनिंग थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर सेल्फीज़ वगैरह अच्छी नहीं आती, पिक्चर्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती, तो हम लोग मॉल बन जाते थे ज़्यादातर। और इसके अलावा नाश्ता करने, तो आप लोगों को पता ही होगा मेरा फेवरेट स्पॉट यहाँ का शादमान नाश्ता होता था, शादमान का, और शिपैटो रोल तो ना मतलब लव है। और हम लोग जो है ना यहाँ पर मैंने जेल रोड के तो सारे खाने खाए हुए हैं, और अभी ना भाई को नींद आ रही है, मामू अभी मज़ीद ऑर्डर करने की तैयारी करते हुए बातें शातें कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं जब तक हमारा खाना आता है। और मैं तो बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ, तो बच्चों के साथ इंजॉय कर रही हूँ, साथ पिक्चर्स वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि ये था हमारा ED4 का ब्लॉग। वैसे इट वॉज़ अ बोरिंग डे, लेकिन मामू ने ना अभी रात को ही एक्टिविटी रख दी है, सो अभी ना मेरा मूड जो है ना वो अच्छा हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, मामा आज खाला के घर गई हुई थी, तो मेरे लिए बोरिंग डे था।
एंड काफ़ी लेट हम लोगों का ऑर्डर आया क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था। रात के टाइम ऐसे यहाँ पर हमेशा ही रश होता है, मामू बताए थे, क्योंकि मैं रात के टाइम यहाँ कभी नहीं आई। जब भी आती हूँ यूनिवर्सिटी टाइमिंग पे आती हूँ, और तब इतनी गर्मी में कौन ही आता है चीज़ेस। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी टाइमिंग है तभी खाली होता है ऑलमोस्ट। और रात के टाइम तो यहाँ पर मतलब अपॉइंटमेंट्स चल रही थी और सीट जो थी ना वो लेट मिली थी हम लोगों को, और हमारा ऑर्डर भी लेट आया था। तो अभी हमारी जो है ना ड्रिंक्स आ गई हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता हमारा खाना भी आ रहा है। सारा आता है तो आपको ना फिर तब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किए। सबने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किए थे, लेकिन मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था। बट आई गेस मैंने बर्गर ऑर्डर करके गलती कर दी, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा से पेट जो है ना वो फुल हो चुका था। मुझे लगा था कि इनका पिज़्ज़ा जो होगा ना मज़े का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स जो थी हमेशा बर्गर्स ऑर्डर करती थी, लेकिन इनका पिज़्ज़ा जो था ना बहुत मज़े का था। तो अभी हमारा ऑर्डर जो है ना कम्प्लीट आ चुका है एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक क्राउन क्रस्ट, दूसरा हमने ऑर्डर किया था कबाब स्टफ, और तीसरा हमने किया था चिकन सुप्रीम। सबसे पहले हम लोगों ने क्राउन क्रस्ट ट्राई किया था और हम लोगों को बहुत मज़े का लगा। उसके बाद हम लोगों ने किया था कबाब स्टफ, वो हम लोगों को क्राउन क्रस्ट से ज़्यादा मज़े का लगा था। और एंड पर जो ट्राई किया था ना चिकन सुप्रीम, वो हमें दोनों से ज़्यादा बेटर लगा था। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट था ना पिज़्ज़ा का, वो था हमारा चिकन सुप्रीम वाला। ये वाला जो है ना ये चिकन सुप्रीम है, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। लोग हम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हम लोगों ने जो बर्गर्स थे ना वो हम लोगों ने पैक करा लिए थे। तो हम लोगों ने इतना सारा खाना खा लिया था, और मामू अभी ना प्लान बना रहे थे शपैटर रोल खाने का साथ या आइसक्रीम खाने का, लेकिन बिल्कुल भी ना जिसे कहते हैं गुंजाइश नहीं थी। तो अभी हम लोग घर जाएंगे खाना शाना खाकर, और हम लोगों ने फैमिली पिक्चर्स ली। और रात का ना 1 बज गया था, तो हम लोगों को नींद भी आ रही थी, घर जाके सोएंगे बस। सब मज़ा आया बहुत, वैसे तो ईद ख़त्म हो चुकी है लेकिन ईद डे 4 भी हम लोगों का अच्छा गुजर गया। और ये थे मेरा आज के व्लॉग, इसके साथ आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से जाओ एंड डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।